दिस इज 36x² माइनस, जरा क्लियर देख लीजिएगा, 12ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चंस को क्लियर देख लीजिएगा सर, 36x² माइनस 12ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो है, इट मींस दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली चीज, इफ एनी क्वेश्चंस कैन बी नॉट सॉल्व बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सो दैट क्वेश्चन कैन बी 101% बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस सवाल को आप कंप्लीटली द परफेक्ट स्क्वायर से देखिएगा कर करके, तब मैं कहूंगा कि आप में कितना दम है। तो अब आपके ये जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस क्लियर, तो देखो ये जो आपका 36x² माइनस 12ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो इसके साथ में नहीं है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, आपको ये तीन क्वेश्चन, ये 10 या 11 क्वेश्चंस का सेट है, मैं पहले बोल चुका हूँ। इसमें अगर आप कोशिश करेंगे ऐसे, तो देखो 3, 4, 12 के ऐसे फैक्टर करो कि आपका 6 + 2 आपका 8, ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी हो जाएगा। लेकिन अगर ये बाय द वे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होता है, आपके पास चारा क्या है, द लास्ट वेपन, द लास्ट टूल इज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इज इट क्लियर, मेरा काम बताना है। अभी देखो ये x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्सलेंट बच्चों को, एक्सेप्शन बच्चों को छोड़ दीजिएगा, अभी मैक्सिमम आपका हिंदुस्तान में 90% बच्चा इसको नहीं कर सकता है, जबकि 10th के बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहा है। फिर क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग, खाली एनसीईआरटी की किताब फिनिश कर दी बस खत्म ना। तो इस कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, नाउ वेयर x² को कंपेयर करिए, ए इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट्स आर गोइंग टू बी कलेक्टेड, xx को कंपेयर करिएगा, b इज इक्वल टू माइनस 12a, देखो साइन आर इंपॉर्टेंट, एंड c विदाउट वेरिएबल, नाउ दैट इज नोन एज अ कांस्टेंट टर्म्स। नाउ साइंस 2 यानी कि प्लस माइनस जो भी है द गिवन एक्सप्रेशन, दैट मस्ट हैव टू बी रिटन। नाउ देखो अब आपको क्या करना है, नाउ d मींस डिस्क्रिमिनेंट यू हैव टू फाइंड आउट, क्लियर है, बताइए मेरे को अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है तो मुझे बिल्कुल क्लियर करिए आपका नाम, अगर क्लियर नहीं होगा ऐसे नहीं चलेगा आपका नाम। देखो दिस ठीक हो गया, तो दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट, इसे करो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट वॉज गिवन बाय श्रीधराचार्य सर मैथड, तो आप देख रहे हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज व्हाट माइनस 12a का स्क्वायर, इज इट क्लियर, माइनस 4 into a is 36 into this is c is a square minus b square minus 4 the value of a recover. If any negative number has an even power, answer is after the gonna positive. Oh sure hai aapka na do, so d is equal to aapka dekho this is 144 a square 12 ka square, kaiyon ko to 12 ka square hi pata nahi, minus dekho ye minus plus ka minus 436 aapka dekho 36 2 ja kitna hua 72 and 72 2 sa aapka dekho na is 144, वैसे भी 46 sa 24, 43 sa 12 aapka dekho, is it, to minus plus ka minus ye dekho and minus minus ka plus, what is that again 144 b square, like terms are always cancel, so the plus 144 a square minus 144 a square, b is equal to dekho aapka 144 b square, this is the positive value ya this is the positive integer। अब इसमें कहां शॉर्टकट मारूं बताइए तो मैं, डी इज इक्वल टू, अब आपका ये आ गया दिस इज इट, डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, डी स्मॉलर देन जीरो आ रहा है, डी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, ये तो कंडीशन आपको देख करके आकर, अभी डी 140 प्लस है आगे से, तो कंडीशन में आपका देखो ना, इफ डी ग्रेटर वैल्यू कौन था जीरो से, डी इज ग्रेटर देन जीरो have s two real and distinct rules,
means one is alpha and the another is beta. एक पॉजिटिव हो सकती है, दूसरी भी पॉजिटिव हो सकती है, एक नेगेटिव हो सकती है, दूसरी भी नेगेटिव हो सकती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मींस प्लस टू माइनस टू, प्लस टू माइनस थ्री, प्लस टू वन बाई टू, मतलब अलग अलग हो गए, डिस्टेंस का अलग है, कभी कभी हो सकता है प्लस टू माइनस टू आ जाता है। अब एक्स स्क्वायर माइनस फोर को आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, आप खुद ही सोच लीजिएगा। इज इट क्लियर? तो ना अब यहाँ पे अप्लाइंग श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड, श्रीधराचार्य सर ने आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दिया और उमर खयाम सर ने माइनस बी बाई टू ए दिया, दैट्स व्हाई नाउ इसको ये लिखता ही नहीं। इफ द इक्वेशन इज इन एक्स तो एक्स में आप कैलकुलेट करेंगे, एक्स में होगी स्टैंडर्ड फॉर्म भी एक्स में लिखा जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, या और आपका माइनस एक्स प्लस माइनस डी ओवर टू ए, आपकी मर्जी। This is depend upon you. Either you are writing b square minus 4ac inside the square root, inside the d, square root d. आपकी मर्जी। Minus. b की वैल्यू देखिए. This is minus square. Am I right? Plus minus. b square minus 4ac is what? 144 b square. ये क्या है? Is it clear? Over. 2 into a is 36. तो देखो. x is equal to minus minus का plus. 12 a. Plus minus. अभी 144 b का स्क्वायर कहीं तो निकाल ही नहीं पाएंगे परमात्मा ने, ये देखो इसका फैक्टर कर दो, नहीं तो आपका 12 इंटू 12 इंटू बी इंटू बी पेयर पेयर बन करके, तो देखो 12 भी है, या 144 b स्क्वायर इट इज इनसाइड द स्क्वायर रूट, 12 इंटू बी का होल स्क्वायर ऐसे लिखे, 12 ट्वेल्व 144 12 b का स्क्वायर और इसकी पावर 1 by 2 आपका है, is that clear? अपन 12 की पावर 2 into 1 by 2 और into b की पावर 2 into 1 by 2, क्यों? Why? x की पावर m की पावर m, पावर has a power, they are multiplied with each other, ये ऐसे होते हैं देखिए, 2 से 2, अब आपकी मर्जी है सर, आप इसको कैसे लेते हैं आप इधर, ऐसे, तो ये आपका plus minus, ये 12 भी आ गया, over आपका नाम, 36 2 जा 72, अगर big number कभी होता है तो उसको वैसे ही रहने देना, आपका देखो ए टेकिंग पॉजिटिव सर, तो आपका इसका मतलब एक्स इज इक्वल 12 ए ऊपर वाला प्लस 12 बी ओवर आपका देखो सब हमारा, तो देखो 12 कॉमन ले लीजिएगा मैथमेटिक्स का पहला रूल, आपका देखो कॉमन, तो देखो ए प्लस बी ओवर सब डी, ठीक है ना, ए प्लस बी ओवर आपका देखो सिक्स। नाउ बी taking negative sign, taking negative sign आपका देखो, is it clear? तो देखो x is equal to अभी minus 12 a minus 12 b over आपका देखो ना 72, फिर वही 12 common in numerator, x is equal to 12 आपने लिया a minus b over 72, 6 है आपका ना, x is equal to a minus b over 6, तो ये आपकी actual में beta की value होती है देखो आपका ना, and this is the value of ये आपका अल्फा होती है, इसीलिए आप डिस्टिंग रूट से लिखते हैं, तो लास्ट में जब आप आंसर लिखेंगे तो ना आप लिखेंगे x has आपका ना टू रूट्स आपका देखो अल्फा एंड बीटा, तो आपका देखो एक आपका a प्लस बी बाई आपका सिक्स एंड a माइनस बी बाई सिक्स, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब ये क्वेश्चन मैंने दिए हैं क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन फोर क्वेश्चन फाइव, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी देखिएगा, इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखो आपने कॉम्पिटिटिव लेवल जनरेट करना है, एकेडमिक से ही कॉम्पिटिटिव बनता है, अब कई स्कूलों में मैं देख रहा हूं कि कई स्कूलों ने क्या कर रखा, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने कोचिंग सेंटर्स भी खोली हुई है, आपका देखो ना 11th और 12th में कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन है, स्कूल में जाना है जा ही नहीं रहा, वहां हाजिरी भी लग रही है, उसके बाद पता चला कॉम्पिटिटिव लेवल में निकल गया, एकेडमिक में 12th में फेल हो गया, ऐसे भी एग्जाम्पल मेरे पास है। एनी आपने प्रैक्टिस करनी है, यू डू मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस टू गेट गुड पोजिशन इन द मार्केट, 100% इज नॉट योर क्राइटेरिया, योर नॉलेज, यू हैव टू क्वालिफाई द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी मोर टाइम्स अर्ली इन द मॉर्निंग्स, थैंक यू।